Hello everyone, I'm Dr. Deepthi Shukla. I'm a dermatologist and trichologist. And आज मैं आपसे एक हेयर ट्रांसप्लांटेशन के टॉपिक के बारे में बात करूँगी कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन की कॉस्ट किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ये बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। जो भी पेशेंट्स हेयर ट्रांसप्लांटेशन की इंक्वायरी के लिए आते हैं, सभी का ये डाउट रहता है कि किस किस फैक्टर पे एंड किस किस बेसिस पे हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन की कॉस्ट डिसाइड करते हैं। तो आइए जानते हैं ये फोर फैक्टर्स क्या क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो फर्स्ट फैक्टर है कि आपको किस ग्रेड की बॉल्डनेस प्रेजेंट है। जैसा कि हम जानते हैं कि मेल पैटर्न बॉल्डनेस में 7 ग्रेड्स होते हैं बॉल्डनेस के। आपको किस ग्रेड की बॉल्डनेस है उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कितनी कॉस्ट पड़ेगी। जितनी हायर ग्रेड होगा बॉल्डनेस का, कॉस्ट उसके अकॉर्डिंगली इंक्रीज हो जाती है। सेकेंड फैक्टर है जिसपे कॉस्ट डिपेंड करती है, नंबर ऑफ ग्राफ्ट रिक्वायर्ड। जैसे कि हम जानते हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन में जो कॉस्ट होती है वो पर ग्राफ्ट के हिसाब से होती है। तो अगर आपको ज़्यादा ग्राफ्ट रिक्वायर्ड होंगे तो कॉस्ट आपकी उसी के अकॉर्डिंगली इंक्रीज हो जाता है। फर्स्ट फैक्टर हो गया ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस एंड सेकेंड फैक्टर हो गया नंबर ऑफ ग्राफ्ट रिक्वायर्ड। एंड ये दोनों थोड़े आपस में रिलेटेड भी हैं ऑब्वियसली, क्योंकि जितनी ग्रेड होगी हाई बॉल्डनेस की उतने ही ज़्यादा आपको ग्राफ्ट लगेंगे और उसके हिसाब से कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड फैक्टर होता है कौन सी टेक्निक से आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवा रहे हैं। हमारी क्लिनिक में जो 3 मेथड्स हैं जिससे हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। मोस्ट बेसिक मेथड फर्स्ट है FUE सफायर मेथड, सेकेंड मेथड है बायो FUE मेथड एंड थर्ड इज DHI, दैट इज डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन मेथड। बेसिक सफायर मेथड, बेसिकली सफायर मेथड क्या है, जो सफायर ब्लेड आती है उसकी हेल्प से हम स्लिट्स क्रिएट करते हैं बेसिकली। एंड जो ब्लेड होती है वो बहुत थिन होती है, जो उससे स्लिट्स क्रिएट होते हैं वो भी बहुत थिन और नैरो रहते हैं, जिसका एडवांटेज ये होता है कि हम बहुत पास पास ग्राफ्ट लगा सकते हैं तो डेंसिटी अच्छी आती है। सेकेंड मेथड होती है बायो FUE मेथड, जिसमें हम सेम FUE सफायर मेथड यूज़ करते हैं बट ड्यूरिंग द प्रोसीजर हम ग्रोथ फैक्टर्स यूज़ करते हैं। तो हम जो आपके ग्राफ्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं उनको भी ग्रोथ फैक्टर्स में रखते हैं, प्लस हम डोनर एरिया प्लस रेसिपेंट एरिया में ग्रोथ फैक्टर्स इंजेक्ट करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसीजर। उससे क्या होता है कि आपको हीलिंग फास्ट मिलती है, शेडिंग कम हो जाती है एंड ड्यूरिंग प्रोसीजर ओनली ट्रांसप्लांटेड ग्राफ्ट्स को न्यूट्रिशन मिलता है तो वो और हेल्दी हो जाते हैं। थर्ड मेथड है डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन मेथड, जिसमें हम एक चॉय इम्प्लांटर पेन यूज़ करते हैं। एंड इस पेन का एडवांटेज ये रहता है कि ये हमें डायरेक्शन और एंगल देने में बहुत हेल्प करता है, प्लस इससे डेंसिटी बहुत अच्छी आती है एंड शेडिंग बहुत कम होती है क्योंकि सराउंडिंग टिश्यू को ट्रॉमा बहुत कम होता है। शेडिंग पीरियड का ड्यूरेशन भी शॉर्ट हो जाता है एंड नंबर ऑफ ग्राफ्ट जो शेड होने वाले हैं वो भी कम हो जाते हैं। DHI सबसे एडवांस्ड मेथड है। ये थर्ड फैक्टर हो गया, आप कौन सी टेक्निक से करा रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा आपका ट्रांसप्लांटेशन का ओवरऑल कॉस्ट। फोर्थ जो फैक्टर है जिस पर डिपेंड करता है वो है कि अगर आपको कोई कोमॉर्बिडिटी प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पेशेंट है जिसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है। जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स रहते हैं उनको ब्लीडिंग ज़्यादा होती है ड्यूरिंग स्लिट मेकिंग एंड ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राफ्ट। उससे क्या प्रॉब्लम होती है कि ब्लीडिंग एक्सेस होने की वजह से एरिया जो रहता है, जो विजुलाइजेशन रहता है, वो हिंडर होने लगता है क्योंकि बार बार ब्लीडिंग होती है तो हमें दिखाई नहीं देता प्रॉपरली। तो उसकी वजह से ज़्यादा टीडियस हो जाती है प्रोसीजर और लॉन्ग हो जाती है प्रोसीजर। उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका ओवरऑल कॉस्ट कितना आएगा। फिर उसके अलावा अगर आपको कोई हार्ट इशू है, किडनी इशू है, या फिर आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर तो मैंने जैसे बोला, और आस्थमा वगैरह है, तो हमें रेगुलर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी पड़ती है पेशेंट की। उसे भी ट्रांसप्लांट का कॉस्ट अफेक्ट होता है। फिर फिफ्थ फैक्टर है नंबर ऑफ सेशंस रिक्वायर्ड, आपको कितने सेशन रिक्वायरमेंट है। अगर आपको सपोज 2 सेशन है तो सर्जरी का कॉस्ट उस पर वेरी करने लगता है, इंक्रीज हो जाएगा अगर नंबर ऑफ सेशन 2 या 3 है, क्योंकि OT चार्जेस, इंस्ट्रूमेंट चार्जेस एंड एवरीथिंग, उसकी वजह से ट्रांसप्लांट का कॉस्ट वेरी करता है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसपे ओवरऑल आपका हेयर ट्रांसप्लांट का कॉस्ट डिपेंड करेगा। आई होप इससे बहुत लोगों की क्वेरी सॉल्व हो गई होगी एंड आई होप इससे आपको हेल्प मिले जब आप कंसल्टेशन के लिए आए। थैंक यू सो मच।